जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं हल्दर राठौर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चलने वाला जेएक्स न्यूज। हम अभी मौजूद हैं इस वक्त सतीश जिला के अंतर्गत आने वाले डीवी पावर प्लांट में, जहां पे यहां के जो कार्यरत मजदूर हैं उनके द्वारा लगातार 29 तारीख से 29/12/2022 से आज पांचवा दिन है अनिश्चित हड़ताल पे, यहाँ पे चार सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए यहाँ पे जो धरने पर बैठे हैं उनसे चर्चा करने के लिए हम चलते हैं और जानते हैं उन लोगों का जो चार सूत्री मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं उसके बारे में। आप लोग अपना परिचय देंगे। मैं श्रीमती राधा महंत बाड़ाधरा से, और ये आपने कब शुरू किए? लोग गुरुवार से 20 तारीख से बैठे। क्या मांगों को लेकर किया? हमारी मांग ये है कि जैसे सिंगल में वेतन दिया जा रहा है उसकी हम लोगों को 20-25,000 दिया जाए। चलिए यहाँ पे और हैं, उनसे बात कर रहे हैं और मजदूर हैं यहाँ पे बैठे हैं जी। आपका परिचय? सुभाष दास महंत। मान जी बताएंगे, आज आप लोगों का पांचवा दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, क्या मांगों को लेकर? सर ये हम लोग पांचवा दिन में बैठे हैं और हमारी चार मांगे हैं। सबसे पहले वेतन वृद्धि के रूप में 20-25,000 वेतन चाहिए, और दूसरा है हम लोगों यदि दुर्घटना हो जाता है ना, तो दुर्घटना हो जाता है तो अगर मृत्यु दर कंपनी में काम करते हो जाए तो 50,000, अगर हाथ पैर टूट जाए तो 25,000 है ना, और तीसरा है कि अगर 12 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही साल हम पेमेंट, 2 साल पीएफ काट, तो 8 साल से सभी भाई बहन का पीएफ पैसा मिलना चाहिए। और जब शासन कम रेट में जमीन खरीद बिक्री किया गया था 2007 से, जब किसानों के साथ धोखा किया गया था तो कम रूप से लिया गया था, कम रेट में लिया गया था, सिर्फ धोखा किया गया था, तो उसको फिर से जो शासन के द्वारा अगर लागू हो जाएगा तो मैं बढ़ी हुई मुआवजा को दूंगा जिसमें लिखित हो गया है, तो उसको फिर से हमको 10-10 लाख रुपए मुआवजा। आज आप लोगों को यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए 29 तारीख से बैठे हैं, आज पांचवा दिन हो गया, कंपनी वाले की तरफ से कुछ आप लोगों को बोलेंगे? कंपनी तरफ से सिर्फ ना, आप प्रशासन तरफ से सिर्फ कुछ आ रहा है सूचना कि उन्हें हमें बुलाया जा रहा है 10 जने को, तो 10 जने को बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक संकल्प है कि हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग जो भी होकर चर्चा आपस में बीच में होगा, ऐसे करके हम लोग ये रणनीति बनाए हैं और धरना प्रदर्शन में आंदोलन में शांतिपूर्वक बैठे हैं। सभी लोगों को एक साथ में बात करने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा, सिर्फ 10 लोगों को वहाँ पे बुला करके? हाँ, सिर्फ 10 जने को बुलाया जा रहा है, पता नहीं डीपी और प्रशासन अधिकारी उस बीच में उन लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्या तालमेल बना है, पता नहीं, मेरे को लगता है सभी तरफ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के हिसाब से उन लोग काम कर रहे हैं। कर्मकार के सदस्य श्री दुर्गेश जायसवाल जी भी यहाँ पे अनिश्चित खाली हड़ताल पे मजदूरों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी महोदय जी, बताएंगे आज का जो आप यहाँ इन लोगों के साथ यहाँ देखिए, मैं आज इन लोगों के साथ धरने भेज के आया कि हमारी जो सरकार कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, माननीय भूपेश बघेल जी का कहना साफ है और मुझे भी श्रम जो मंत्रालय एक जिम्मेदारी दी गई है, मुझे सदस्य बनाए गए, तो हमारा काम ये है कि जहाँ पर श्रमिक का शोषण होता है, चाहे वो कंपनी का श्रमिक हो चाहे अन्य किसी को, उसमें हम उन श्रमिकों के हित के लिए काम करते हैं और हमारी टोटल योजनाएं श्रमिक, तो आज यहाँ श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है और ये पता चला तो मैं आज दूसरी बार कहना चाहूँ, आज इनके साथ यहाँ सम्मिलित होने के लिए आया, इनका जो चार सूत्री मांग एकदम बहुत ही सही और जायज मांग, क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है 8 घंटा की जगह पे 12-12 घंटा इनका काम दिया जा रहा है और उसके बावजूद 7,000-8,000 इनको मेहनताना मजदूरी दी जा रही है, जैसे इन्होंने बताया का पीएफ नहीं कट रहा था, 2 साल हो गया पीएफ काट रहे हैं, लेकिन जब नहीं कट रहा था तो पहले का पीएफ जो है उसका पैसा कहाँ गया? इनका मांग सही है कि वो मिलना चाहिए। रही बात कंपनी वाले जिस प्रकार से शोषण कर रहे हैं लोगों का, हमारे श्रमिक भाइयों का, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब शासन ने मुझे नियुक्त किया है तो श्रमिकों के साथ जहाँ पर भी कोई अन्याय होता है तो हम वहाँ पे खड़े रहेंगे, और मैं ही नहीं मध्य छत्तीसगढ़ शासन
माननीय भूपेश बघेल जी का स्पष्ट कहना है कि हम कंपनी और बड़े के साथ नहीं है, हम हमेशा किसान और मजदूर के साथ, क्योंकि हम उनकी पीड़ा जानते हैं और जहां पर इनका शोषण हो रहा है तो निश्चित रूप से हम साथ देंगे और देते रहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग साथ नहीं देंगे तो इनको और दबाएंगे। इसलिए इस उद्देश्य से मैं इनके साथ में धरने पर बैठा हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इनके साथ जहाँ भी जाना पड़ेगा, जिस स्थिति में, हर संभव हर प्रकार की मदद इनको हम साथ में। मैं भी हमारे भाई जो बैठे हैं, जो इन्होंने जो चार बातें कंपनी प्रबंधन से मांग कर रही है, वो मांग नहीं है, इनका एक्चुअल में उनका अधिकार है और कंपनी को आज बगैर यहाँ बैठे उनको पूरा कर देना चाहिए। जो चार पॉइंट में जो लिखे हैं वो इनका अधिकार है और बिना मांगे इनको वो अधिकार पूरा हो जाना चाहिए, परंतु प्रबंधन द्वारा आज तक इनको वो अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए इनके समर्थन में मैं भी आकर के यहाँ समर्थन किया हूँ और बैठा। यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर हैं और जिनके जमीन यहाँ कंपनी में गए हैं वो लोग भी बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये चार सूत्री मांगों को लेकर के कलेक्टर को जिला मुख्यालय कलेक्टर शक्ति में जाकर के ज्ञापन दिए गए थे, जिसमें हमने उसका खबर भी चलाए थे हमारे न्यूज के माध्यम से। और लगातार आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अलावा अनेक प्रांतों में देखा जाए तो अलग राज्य में, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के अलग राज्य में की बात की जाए तो अगर अलग राज्य में कम से कम अगर आप 10 यहाँ वहाँ यहाँ 10 एकड़ आप जमीन खरीद सकते हो छत्तीसगढ़ में, तो कम से कम बाहर राज्य में आप जाओगे तो कम से कम यहाँ के 10 एकड़ भी बेच कर वहाँ जाओगे तो एक पान ठेले के लिए जमीन नहीं मिलता है। अब बात की जाए अनेकों बाहर के जो आए यहाँ कंपनी, जो बाहर से जब कंपनी है यहाँ के जल जीवन और यहाँ के जमीन को जो लेकर के यहाँ, लेकिन यहाँ के ही लोगों को जिनका जमीन गया है, जिनको कंपनी में कार्यरत है, वो बताया जा रहा है कि उसका 2 साल का पीएफ जो है उनको भी नहीं दिए गए हैं। लेकिन ऐसे हालात में आप सोचिए इनके ऊपर में क्या बीत रहे हैं और लगातार ये 29 तारीख 2022 से लगातार ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे यहाँ पे डीवी पावर प्लांट पे डटे हुए हैं और यहाँ पे नेताओं को लगातार सिलसिला समर्थन दे रहे हैं ताकि इन लोगों का मांग जल्द से जल्द पूरी हो सके।